बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। क्वेश्चन नंबर 28 एक्सरसाइज 3.2 हमने वेक्टर एनालिसिस शुरू की हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 तक हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 28 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x = 2t स्क्वायर y = 2t स्क्वायर - 4t z = 3t - 5। एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव करता है। अब देखें इसे, ये x = 2t स्क्वायर y = 2t स्क्वायर - 4t z = 3t - 5, ये हमारी x y z प्लेन है, x y z प्लेन है। ये हमने एक पोजीशन वेक्टर बनाया है r, यहां पर कोई पॉइंट है p, तो चूंकि ये x y z प्लेन है तो इसका आ जाएगा x i plus y j plus z के। x की जगह पर रखेंगे 2t स्क्वायर, y की जगह पर रखा t स्क्वायर - 4t और z की जगह पर रखा 3t - 5 * k, तो हमें ये r मिल जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा इस पार्टिकल का जो कि मूव कर रहा है इस कर्व के अलोंग। ये कोई कर्व है, इस कर्व के अलोंग ये मूव कर रहा है तो उसका हमें पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। जब हम t की जगह पर यहाँ पर मुख्तलिफ वैल्यूज लगाएं, अगर t की जगह पर 1 रखें तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये यहाँ कहीं पर आ जाएगा, t की जगह 2 रखें यहाँ कहीं पर आ जाएगा। इस तरह से ये मूव कर रहा है और हमें इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है और इसका एक्सेलरेशन मालूम करना है। वेलोसिटी मालूम करनी है तो पहले हम इसका पोजीशन वेक्टर r मालूम करेंगे और फिर हम उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक दफा डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। फिर हमने वो वेलोसिटी निकालनी है टी इज इक्वल टू 1 पर। इसके बाद हमने इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो जो वेलोसिटी आई होगी उसको फिर डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और टी इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें इसकी मतलब बस तमाम चीजें मिल जाएंगी इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ये आगे देखते हैं हम इसको क्या करना है। अब एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इस कर्व के अलोंग, तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालना, आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इक्वल है, तो इसकी जगह पर एक्स की जगह पर हमने रखा 2t स्क्वायर, वाई की जगह पर रखा t स्क्वायर माइनस 4t, जी की जगह पर रखा हमने 3t माइनस 5 और हमें वो कह रहा है कि फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1। हमने टी इज इक्वल टू 1 पर इसके कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने हैं और इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालने हैं। तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे इसकी। वेलोसिटी निकालने के लिए इस पोजीशन वेक्टर को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t 2 * 2 4t ये आ जाएगा 4ti। उसके बाद टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t इसका टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t और -4 ये बन गया 2t -4 * j। ये डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टी और यहां पर डिफरेंशियल होगा टी का डिफरेंशियल 1 3 और ये 3 आ गया और ये वाला कांस्टेंट है ये 0 ये आ गया 3 के आ जाएगा हमारे पास 3 के। तो ये हमने इसकी वेलोसिटी निकाल ली है। अब वो कह रहा था कि वेलोसिटी निकाल लो t इज इक्वल टू 1 पर, एट t इज इक्वल टू 1, तो जहां जहां पर t है वहां पर 1 वहां वहां पर 1 पुट कर लो तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 आपको मिल जाएगी। जब t की जगह पर 1 रखेंगे तो ये 4i आ जाएगा, यहाँ पर t की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 माइनस 4 माइनस 2j आ जाएगा, इसमें t है कोई नहीं, ये वाला 3 के एज इट इज आ जाएगा। अब वो कह रहा था कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालो इस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ आई प्लस 3j प्लस 3k, हमें कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन में निकालना है। इसका कोई नाम रख लें, वेक्टर इसको कह लें, तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें इस वेलोसिटी का इसके साथ, इसके यूनिट वेक्टर के साथ। वेलोसिटी वी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके यूनिट वेक्टर के साथ, ये आ जाएगा इसके यूनिट वेक्टर के साथ, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास यू इज इक्वल टू वी भी हमने ये निकाला हुआ 4i माइनस 2j प्लस 3k। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड करते हैं, i का कंपोनेंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 18 और 19, ये आ जाएगा आपके पास 19। डॉट प्रोडक्ट करें इन दोनों की, ये हो जाएगा 4 * 1 4 जाएगा 4 माइनस जे कंपोनेंट का जे के साथ, जे डॉट जे 1 हो गया और माइनस 2 * 3 - 6
3 into 3, 9 divided by 19 under root. ये आपको मिल जाएगा 9 और 10 13 में से ये निकालेंगे तो जाएगा आपके पास 7/19 अंडर रूट 7/19 अंडर रूट। तो हमने निकाल लिया 7/19 अंडर रूट। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो ये आ गया। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमने निकालना था, तो हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना था, वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कर लिया हमने इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ। इसी तरह से अब हम निकालेंगे इसका एक्सेलरेशन, उसके लिए भी यही सारे काम हम करेंगे। इसके बाद हमने एक्सेलरेशन का निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने इसका, एक्सेलरेशन के लिए हम वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का ये जो वेक्टर आया हुआ है इसको डिफरेंशिएट कर दें डीवी बाई डीटी, या इसको लिख लें d2r by dt square a की बात। इसको फिर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो t का 1 आ गया डिफरेंशियल, t आ जाएगा आपके पास 4i, t का डिफरेंशियल 1 तो ये आ जाएगा 2 into 1 2j, 4 कांस्टेंट है तो वो तो 0 हो गया, ये आपके पास आ जाएगा 2j, इसमें t है कोई नहीं तो ये 0 हो गया। एक्सेलरेशन जो है वो हमने निकाल लिया है 4i + 2j, हमें एक्सेलरेशन निकालना है t is equal to 1 पर, तो इसमें पुट करें t is equal to 1, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें t मौजूद नहीं, तो एक्सेलरेशन आ गया t is equal to 1 पर 4i + 2j। तो जैसे हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाला था, इसी तरह से हम इसका एक्सेलरेशन का निकालेंगे इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो इस वेक्टर का नाम रख लें जैसे उसमें रखा है, इसको u का नाम दे लिया i + 3j + 3k। तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालने को कह रहा है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर u, तो इसके साथ भी वही करेंगे हम, u वेक्टर आ जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे एक्सेलरेशन का इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ। तो u आ गया हमारे पास a, एक्सेलरेशन हमने ये निकाला है 4i + 2j, 4i + 2j, k नहीं है यहाँ पर तो उसकी जगह 0 लगाया जा सकता है, डॉट इसका यूनिट वेक्टर, u का यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के लिए वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, ये उसका यूनिट वेक्टर आ गया u का। डॉट प्रोडक्ट कर लें, 4 into 1 4, 2 into 3 6, 0 into 3 वो 0 आ गया, नीचे आ गया आपके पास 19 अंडर रूट, ये आ गया आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 19 अंडर रूट। ये हमने यू निकाल दिया इसका 10/19 अंडर रूट। तो ये आया है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यू, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यू, यही हमने इसमें मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 29 भी इससे मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ए पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय r = cos ओमेगा t i + sin ओमेगा t j। तो एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर है ये r है cos ओमेगा t i + sin ओमेगा t j, इसको नंबर 1 का नाम दे लिया, वेयर ओमेगा इज अ कांस्टेंट, यहां पर ओमेगा जो है एक कांस्टेंट के तौर पर है। शो दैट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू r, साबित करना है कि अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी और r जो है वो परपेंडिकुलर होंगे, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर होते हैं। आर हमारे पास ये दिया हुआ है तो हमें वी डॉट आर जीरो के इक्वल साबित करना है, तो वेलोसिटी निकालनी होगी, वेलोसिटी निकाली, इसको एक दफा डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी आर बाई डी टी, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन ओमेगा टी आई माइनस साइन ओमेगा टी आई, और ओमेगा टी का डिफरेंशियल टी का 1 हो गया और ओमेगा ये आ गया, ये डिफरेंशिएट कर लिया उसको, साइन का कॉस ओमेगा टी आई आ गया, cos ओमेगा t tj आ गया, और ओमेगा t का डिफरेंशियल t 1 हो गया तो ओमेगा ये रह गया। उसके बाद ये एक्सेलरेशन निकालना है, ये दूसरे और तीसरे पार्ट में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सेलरेशन निकालना है इसका, इसको फिर डिफरेंशिएट कर दिया, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t i और माइनस ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t j, वेलोसिटी भी निकाली एक्सेलरेशन भी निकाली। अब फर्स्ट जो पार्ट है इसके, इसमें हमने करना है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू r, तो वेलोसिटी का और r का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अगर जीरो आ गया तो हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर हैं, और यही हमें साबित करना है।
good to show that v and r are perpendicular, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकाल लिया इसका, v डॉट r, v और r का डॉट प्रोडक्ट, i डॉट i वन हो गया, और बाकी आपके पास बचा ये चीज और ये, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गया माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, और साथ ये वाला माइनस भी, ये आ गया डॉट प्रोडक्ट हो गया, i डॉट i वन हो गया, j डॉट j वन हो गया, तो इधर आपके पास बचा साइन ओमेगा टी और ओमेगा कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी और ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो देखें ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, कट जाएंगे तो v डॉट r जो है वो आपके पास जीरो आ गया, तो इसका मतलब है v और r जो है, सो v एंड r आर परपेंडिकुलर, तो यही हमने इसमें साबित करना था। इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट अब हमने करना है, एक्सेलरेशन ए इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द रीजन, एक्सेलरेशन डायरेक्टेड है टूवर्ड्स द रीजन एंड हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आर, हमने ए और आर को प्रोपोर्शनल साबित करना है और ये डायरेक्टेड है टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो इसके साथ एक नेगेटिव साइन भी आएगा, ये हमें साबित करना है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन और आर जो है वो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये साबित करना है हमने, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन है। तो एक्सेलरेशन देखें, ये सारा वही है, आर वही है, वी वेलोसिटी हमने निकाली है, एक्सेलरेशन भी निकाला है। अब हमने साबित करना है, वी टू शो दैट ए एंड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन, उसकी वजह से माइनस आया सर। ए जो है हमारे पास ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे। अब देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर दोनों में मौजूद है, कॉमन आ गया, कॉस ओमेगा टी आई आ गया और प्लस साइन ओमेगा टी जे आ गया। अब देखिए ये सारा जो है ये तो आर आर आ गया सारा, ये तो सारा आर के इक्वल है, तो ये इक्वल हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के। अब ये जो है ओमेगा के मुताबिक उसने बताया हुआ है कि ये कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये वाला जो माइनस का साइन है ये शो कर रहा है कि ये डायरेक्टेड है टूवर्ड्स द ओरिजिन, यही इसमें हमने करना था, सादा था ये प्रूफ था। उसके बाद हम करेंगे नंबर थ्री, शो दैट आर क्रॉस वी इज इक्वल टू जीरो, इस आर का वेक्टर का और v का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और साबित करेंगे कि उसका आंसर जो है वो जीरो आता है।